वेलकम दोस्तों, एनटीपीसी का जो भी आज एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस पूछे गए मैथमेटिक्स के आपके सामने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सारे वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिल सके। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक टंकी थी, ये क्वेश्चन मैंने थोड़े शॉर्ट में लिए हैं, ठीक है। एक टंकी थी, उसको पहला पाइप 4 दिन में भरता है, दूसरा पाइप 2 दिन में भरता है, तीसरा पाइप 12 दिन में भरता है। देखिए टाइमिंग 12 घंटे कह लीजिए, 12 दिन कह लीजिए, ठीक है, एक ही बात है। तो ये कहते हैं अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए वो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि इन तीनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो ये मानते हैं पूरी टंकी जो है 12 लीटर की है, इस तरह से हम इसको मान लेते हैं। तो एक दिन में देखिए 4 दिन में 12 भरता ना, तो एक दिन में कितना भरेगा, 3, ये 2 6 12 6, और ये आपका 12 1 12 1, ठीक है। तो टोटल आपका पानी मान लीजिए 12 लीटर है, तो 6 3 9 और 1 10, तो 10 एक साथ करेंगे ना, ये एक साथ खोला जाएगा, तो आप ये 1.2 डेज में या आवर में भर लेंगे, ठीक है। आवर आवर होता तो आवर कर लीजिए, आवर ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आवर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2x की पावर 4 + 7x की पावर 2 + x + k, ये इसका फैक्टर बताइए, के की वैल्यू क्या है, इसका फैक्टर है। तो 2x - 1 = हम लोग 0 रख लेंगे, 2x, ये 1 आपका यहाँ आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 1/2। x की वैल्यू आप इसको यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है, और इक्वल टू में आपको 0 रखा जाएगा यहाँ पर। तो चलिए 2 × x की पावर 4 है ना, तो एक का तो एक ही रहेगा, 4 है तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, प्लस 7 × x की पावर 2 है, तो ये 1/4 हो जाएगा आपका, प्लस 1/2 प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। 2 × 16 8 आ जाएगा आपका, तो 1/8 ये आपका हो जाएगा 7/4, सॉरी प्लस है आपका ये, और 1/2। अभी k को यहाँ पर हम माइनस कर दीजिए, माइनस k, ठीक है। आगे देखिए ये एलसीएम आपका 8 आएगा, ऊपर आपका 1 रहेगा, 4 × 2 = 8, 2 × 7 = 14, प्लस तो 4 8 4 = 4 k - k, ठीक है। 14 और 4 18 18 19, तो 19/8 = -k, यहाँ से माइनस हटेगा, ये आपका माइनस, क्योंकि आपका पॉजिटिव का k पूछा है, तो माइनस यहाँ से हटेगा, यहाँ लग जाएगा, तो -19/8 आपकी k की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसको आप चाहो तो सही बटे में भी निकाल सकते हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपसे ये इस टाइप से क्वेश्चन दिया था, आपसे ये x की वैल्यू पूछी है, ठीक है। आप क्या करेंगे, और यहाँ पर आपको ये और ये लाइन पैरेलल, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया था, एक चीज़ यहाँ पर दी थी, DE parallel to BC, ठीक है। तो ये लाइन जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और ये भी लाइन को आप थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है, रेस्पॉन्डिंग से। उसके बाद देखिए अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो ये दो अंतःकोण इस कोण के बाह कोण के बराबर होंगे, ठीक है। अगर ये 122 है, ये 38 है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये 122 में से 38 को लेस करेंगे, तो आप 12 में से 8 गया 4, ठीक है, और यहाँ पर 11 में से 3 गया आपका, 11 में से 3 गया 8, ठीक है, तो ये 84 डिग्री का आपका हो जाएगा। जरा फिर से देखिए, अगर ये कुमाली ट्रायंगल है आपका, ठीक है, अगर इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पर कुछ एंगल आपका मान लीजिए 100 है, तो ये एंगल इन दो अंतःकोणों के सम के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये 50 है तो ये 50 होगा, 80 है तो ये 20 होगा, इस तरह से। अगर ये एंगल है तो ये दो अंतःकोणों के ये सम है वो इसके बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 kg केक है, तो इसको 10 लड़कियों में बराबर बराबर बांटना है, तो 1.5 kg है, ठीक है। आंसर अगर ग्राम में पूछा होगा तो इसको केजी में, केजी को हम ग्राम में चेंज कर देंगे, 1.5 में हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा आपका, तो 1500 आपका आ जाएगा ना, उसको 10 लड़कियों में बांटना है, तो आपको 150 ग्राम 150 ग्राम सभी में बांट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिया था, ये सर्कल था आपका, उसके अंदर एक आपका ट्रायंगल था, और यहाँ से एक आपकी एक सेगमेंट यहाँ पर गई थी, ठीक है, और ये एंगल आपको 70 दिया था,
अगर आपने अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम पढ़ी होगी तो उसमें आप देखेंगे ये जो एंगल है 70, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, आपको दी भी गई है, तो ये जेड बना रहा है ना, तो ये 70 होगी, तो ये भी आपका 70 होगा। और आपसे एंगल ए सी भी पूछा है, ए सी भी ये एंगल आपसे पूछा है, ये पूरा एंगल आपका सप्लीमेंट्री होगा ना, 180 होगा, तो 70 70 140 तो आपका ये हो गया, तो ये भी आपका 40 हो जाएगा, इससे कि आपका पूरा 180 बन गया ना, तो ये 40 हो गया, तो आपका 40 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रिंसिपल आपको दिया गया 24,000, टाइम दिया गया 3 साल का, रेट दिया गया 9%, सीआई और अमाउंट आपसे पूछा गया, ठीक है। तो देखिए 9 27, 27% आपको इसका निकालना है, 24,000 का 27% परसेंट से 2 जीरो हट जाएंगे, बस आपको मल्टीप्लाई करना था, तो 24 × 27 आपको करना था, ठीक है, तो 24 × 27 करना है, हाँ 24 का 27 मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 648 और 1 जीरो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट आपसे पूछा तो ये तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 24,000 में 6,400 इसको ऐड करेंगे, 6,480 08446410, तो आपका 30,480 आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, मिस्टर डन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया था, ठीक है, इसमें आपके ये इस पर लंब डाले गए थे, आपसे इसका पेरीमीटर पूछा गया है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आया था तो आपको ये लंब है इसको आप देखिए, ये हाइट होती है आपकी P1 P2 प्लस P3, 5 4 9 3 12, ठीक है, आपका 12 आ गया। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a, तो हाइट आपकी 12 है, 12 × 2/√3, ठीक है, बराबर a, तो आपका हो जाएगा 24√3, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी रूट से रूट कैंसिल नहीं करेंगे, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 हो गया तो 8 आ जाएगा आपका, तो 8√3, देखिए रूट से रूट कैंसिल नहीं करेंगे, 3 का ये मल्टीप्लाई होगा ना √3√3, तो ये 3 हो जाएगा, 3/24, तो 8√3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 24√3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 के लगातार 4 गुड़जों का योगफल 78 है, तो लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है, ठीक है। चलिए एक मान लीजिए मैं x मान लेता हूँ, अगला आपका x+1 x+2 एंड x+3, अब ये 3 के लगातार 4 गुड़ज, तो 3 के हैं गुड़ज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ये 5 का होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सभी का योग जो है वो आपको कितना है, 78 है। हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 1 2 3 4, 4x+ 1 2 3 और 3 6 बराबर 78, 3 को यहाँ से काट देंगे, 3 2 6 3 18, ठीक है, तो 4x+6 = 26, यहाँ पर जाएगा तो आपका 20 बचेगा, तो 4x = 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5, बड़ा नंबर ये होगा, इसको यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, 3 × 5 और 3 8 8 24 24 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक साइकिल का पहिया 7,000 चक्कर लगाता है और 11 किलोमीटर की दूरी कवर करता है, तो पहिए का व्यास बताना है। एक साइकिल का पहिया 700 चक्कर लगाता है, चक्कर लगाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से लेकर जब वो यहाँ पर आएगा पहिया आपका, तो ये पेरीमीटर, सॉरी हाँ ये आपका पेरीमीटर होता है, ठीक है, सरकमफ्रेंस होता है पूरा ये, तो 700 चक्कर लगाया, एक बार चक्कर लगाने में 2πr होता है, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस चली इसने कितनी, 11 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए 700 तो आपको ब्यास निकालना है, तो यहाँ से r निकालेंगे तो ब्यास निकल आएगा इसका, 2 × π की वैल्यू होती है 22/7, r का है तो r ही रखेंगे, यहाँ पे 11 है, ठीक है, तो 7 से 60 काटेंगे आपका, यहाँ पर 1000 आ जाएगा, 11 × 2 = 22, ठीक है, इस टाइप से। वस्तु का विक्रय मूल्य 1360 हानि
15%, यानी किसी वस्तु को अगर 13.5 बेचते हैं तो 15% का हानि होती है। तो बताइए 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? 15% की हानि हुई ना, तो सेलिंग प्राइस होगी आपकी 85%। 85% की वैल्यू कितनी है? 1360। 25% का लाभ कमाना है तो आपको 125% की वैल्यू बेचनी पड़ेगी। तो ये कितने की बेचेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए तो 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 पचीस, 17 अट्ठे 36, 0। ठीक है, तो 1 बराबर 80, तो 25 बराबर कितना होगा? ठीक है, तो ये 80 टाइम्स है, तो ये भी आपका 80 टाइम्स हो जाएगा। 25 अट्ठे 200, 1 जीरो हो रहा है आपका, तो 2000 का बेचेंगे तो उसको 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। ऑल द बेस्ट।